आज हम बात करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। क्या होता है वाटर हार्वेस्टिंग, इसका क्या यूजेस है और इसके क्या लाभ हैं, तो इन सब पॉइंट पे आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वर्षा के बाद इस पानी को उत्पादक कार्यों के लिए प्रयोग हेतु एकत्र करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आपकी छत पर गिर रहे वर्षा जल को सामान्य तरीके से एकत्र कर उसे शुद्ध बनाने के काम को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो हमारा रेन वाटर होता है उसको जो है हम उसको स्टोर करके, उसको स्टोर करने के बाद में हम बहुत सारे कामों में उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका यूजेस क्या है। आज उत्तम गुणवत्ता वाले पानी की कमी चिंता का कारण बन चुकी है। यद्यपि शुद्ध और अधिक वर्षा, अधिक गुणवत्ता वाला वर्षा जल शीघ्र ही बह जाता है, परंतु यदि इसे एकत्र किया जाए तो जल संकट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वर्तमान जल संकट को देखते हुए यही एकमात्र विकल्प बचा है जिसके द्वारा हम जल संकट का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त स्थान कहाँ पे हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सामान्यतया वर्षा जल संग्रहण कहीं भी किया जा सकता है, परंतु इसके लिए वह स्थल सर्वथा उपयुक्त होते हैं जहाँ पर जल का बहाव तेज होता है और वर्षा जल शीघ्रता से बह जाता है। इस प्रकार वर्षा जल संग्रहण निम्नलिखित स्थानों के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। पहला नंबर, कम भूजल वाले स्थल। सेकंड, भूमित भूजल वाले स्थल, सॉरी दूषित भूजल वाले स्थल। थर्ड, पर्वतीय विषम जल वाले स्थल। सूखा या बाढ़ प्रभावित स्थल। प्रदूषित जल वाले स्थल। कम जनसंख्या घनत्व वाले स्थान। अधिक खनिज व खारा पानी वाले स्थान एवं महंगे पानी एवं विद्युत वाले स्थल। तो यहाँ पर जो है हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, क्या इसका उपयोग रहता है। जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसको किन कामों में हम यूज कर सकते हैं। सामान्यतः वर्षा जल शुद्ध जल होता है तथा इसका उपयोग सभी कार्यों के लिए किया जा सकता है। तथापि निम्नलिखित कार्यों के लिए इसका प्रयोग सर्वथा उपयुक्त है। एक तो बर्तन के साफ सफाई करने के लिए, नहाना व कपड़ा धोना, सिंचाई के लिए, मवेशियों के पीने नहाने आदि के लिए एवं औद्योगिक कार्य। वर्षा जल की गुणवत्ता जांचने के उपरांत यदि वह उपयुक्त पाई जाती है तो इसका उपयोग पेयजल एवं खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके क्या लाभ हैं, लाभ के बारे में जान लेते हैं। विश्वव्यापी जल संकट की समस्या का समाधान इसी विधि से संभव है। इस तकनीक के कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ हैं जिनका विवरण निम्नवत है। पहला, भूजल सरकारी जलापूर्ति पर निर्भरता कम। दूसरा, जहां जल स्रोत नहीं है वहां पर कृषि कार्य भी संभव। थर्ड, जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। उच्च गुणवत्ता एवं रसायन युक्त, रसायन मुक्त शुद्ध जल की प्राप्ति। जलापूर्ति की न्यूनतम लागत। बाढ़ के वेग पर नियंत्रण से मृदा अपरदन कम से कम। सभी को समुचित मात्रा में जल उपलब्धता। गिरते भूजल स्तर को ऊपर बढ़ाया जा सकता है। यह पानी के मुख्य स्रोत का काम करता है। यह जल हर प्रकार के घातक लवणों से मुक्त होता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वर्षा का जल छतों से बहकर नालों में जाकर गंदगी पैदा करता है, जबकि इसको संग्रहित करके इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। जमीन के अंदर संग्रहित जल का वाष्पीकरण नहीं होता है, अतः पानी के समाप्त होने की संभावना कम ही रहती है। जमीन के अंदर संचित पानी में लवणों की तीव्रता कम रहती है। अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम रहती है। ठीक है, तो ये इतने सारे लाभ हैं अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं।
आगे देख लेते हैं। इज़राइल, सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काफ़ी समय से काम हो रहा है। अब समय आ चुका है जबकि भारत में भी इस तकनीक को अनिवार्यता लागू करने के लिए जन जागरण को प्रोत्साहन दिया जाए। यह अत्यंत आसान तकनीकी है। इसके अंतर्गत वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोककर इसे नालियों, पाइप लाइन के माध्यम से इस प्रकार संग्रहित किया जाता है ताकि इसका उपयोग फिर से किया जा सके। भूजल भंडारों में वर्षा जल के भंडारण बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान जल संकट में यह न केवल जरूरी है बल्कि बेहद सस्ता व फायदेमंद भी है। कुछ दशक पूर्व तक लोग यह मानते थे कि पानी के भंडार असीमित हैं और हमें किसी न किसी तरीके से मनचाहा पानी हमेशा मिलता रहेगा, परंतु पानी के लगातार दोहन से भूजल भंडार खाली हो गए हैं तथा भूजल स्तर निरंतर नीचे खिसकता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो जल्दी ही धरती भूगर्भीय जल भंडारों से खाली हो जाएगी। अतः अब समय आ गया है कि हम जितना पानी धरती से लेते हैं उतना ही पानी धरती को किसी न किसी रूप में लौटाएं। यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही संभव है। हमारा दायित्व तो है कि हम पानी की एक बूंद भी बेकार न जाने दें। इससे हमारे जल भंडार भर जाएंगे और जल स्तर भी ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे घर की छत होती है जो वहाँ रेन होती है, रेन का वाटर जो है पाइपलाइन के माध्यम से हम एक टैंक में जो है टैंक से कनेक्ट कर देते हैं। फिर जो है उस स्टोर किया हुआ पानी जो है हम सिंचाई और अन्य कामों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।